we are going to explain the economic problem and what is the meaning of the economic problem in economics there may be many types of the problem but the actual problem that shapes the form of the economic problem it has only the issue of scarcity so the allocation of resources if we say that this term the allocation of resources is the main title that gives the all forms of economic problem to the society allocation of resources it provides that the resources they are scarce allocation of resources it gives that these resources they have to be utilized among various people and at the same time these resources they may have various combination these resources they are limited

तो उसके जवाब में दूसरी फसल भी लगा सकता है तो अब उसको ये फैसला करना होता है कि मैंने उसी खेत में अपने लिए गंदुम लगानी है या मैंने अपने जानवरों के लिए चारा लगाना है और अगर वह दोनों चीज़ें लगाना चाहता है तब भी उसी को ये फैसला करना है कि मेरे पास अगर ज़मीन के चार एकड़ हैं तो मैंने कितनी गंदुम लगाने के लिए एलोकेट करनी है और कितनी मैंने चारा लगाने के लिए एलोकेट करनी है और इसी के फॉर्म में अगर हम सेकेंड बात कर रहे हैं जिसको हम कैपिटल कहते हैं तो अवेलेबल फॉर्म ऑफ मशीनरी अवेलेबल फॉर्म ऑफ एक्सपर्टीज और नॉलेज और टेक्नोलॉजी ये भी हमारे पास रिसोर्स की फॉर्म में होगा तो उसको ये देखना होगा कि जो अवेलेबल रिसोर्स हैं वो मेरे पास कितने हैं तो एक एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करता है और इन रिसोर्स को उसने एफिशिएंट वे में किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है रिसोर्स को एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करना एंड एफिशिएंट वे में अगर हम बात करें इसका मतलब है वो तरीका कार जिसमें हम रिसोर्सिस को वेस्ट ना करें ज़ाया ना करें जितने का जितना रिसोर्स हमें इनपुट की फॉर्म में अवेलेबल हो उतना ही वो प्रोडक्शन की फॉर्म में आउटपुट की फॉर्म में सोसाइटी को और उसके ओनर्स को मिल सके तो प्रॉब्लम ऑफ जो चॉइस है वो स्क्यस्टी और मल्टीपल एंड्स के दरमियान डिसीजन का नाम है जिसको मेंटेन और बैलेंस करना ही हमें डील करना है। और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हमें देखना है तो हमें ये उसमें लाजमी देखना है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं जिस तरह हम कहते हैं कि रिसोर्स केयर्स हैं जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं अब अगर हम यहाँ बात करें कि हाउ द वांट्स कैन बी अनलिमिटेड तो वी कैन से एक शख्स की अगर कुछ ख्वाहिशात या विश आज है तो ओवर द टाइम अगर वो कंप्लीट या मुकम्मल भी कर लेता है तो आज से पाँच साल बाद या दस साल बाद वो नई ख्वाहिशात लेके आ जाता है एक शख्स ये चाहता है कि मैं तालीम हासिल करूँ ये उसकी आज की विश है वेन ही इज़ गोइंग टू कम्प्लीट द एजुकेशन तो वो चाहता है कि मैं नौकरी हो मैं अपने लिए अर्न करूँ वन ही कम्प्लीट दिस फिर उसके बाद उसको होता है कि मैंने उसमें अर्निंग की अब मेरी तनख्वाह उससे बढ़ जानी चाहिए अब मुझे घर बनाना है अब मुझे गाड़ी लेनी है अब मुझे कुछ सैर करने के लिए निकलना है तो ये लाइफ में चीज़ें जब हम पहले से आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारी विश हमारी डिज़ायर हमारी जो है वो अनलिमिटेड फॉर्म लेती चली जाती है कि वो हर दिन नई से नई हमें मिलती चली जाती है।